हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसीपी पवन कुमार। तो बहुत दिनों से हमें एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इथिक्स के ऊपर कोई वीडियो लाइए। ठीक है, मुझे लगा भी हाँ यार इथिक्स पे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इथिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या है कि कई बार लोग क्लियर भी कर जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें पता नहीं होता कि यार सही आंसर क्या था, गलत आंसर क्या था। और इथिक्स की जो टर्म्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करना कोई फिलोसफी के बैकग्राउंड से है या पबैड से है उसके लिए तो ईजी है, बट कुछ टर्म्स ऐसी है कि जिसमें एक नॉर्मल जो इन बैकग्राउंड से नहीं है उस व्यक्ति के लिए चीजों को समझना थोड़ा टफ तो है भैया, कि जो आदमी इस बैकग्राउंड से नहीं है उसके लिए डिफ्रेंशिएट कर पाना ऑनेस्टी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, प्रोबिटी क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस है। और यूपीएससी ने कहीं इसमें पूछ लिया तो वो सोच के ही आदमी डरता रहता है भैया कि मैं क्या लिखूंगा, मेरे को तो सब एक जैसा ही लगता है, मेरा तो सर चकरा रहा है ये सोच के। और सही में ये चीजें थोड़ी टफ तो हैं। और दूसरा, इसमें जो एक इशू मुझे लगता है कि बुक्स में ऑलमोस्ट सिमिलर डेफिनेशंस कॉपी की हुई हैं, वो आपको एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं बताएंगे इसमें डिफरेंस क्या है या इसका एसेंस क्या है, जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में भी किया है एसेंस है ना, वो ही लोग ये चीजें आपको बताएंगे नहीं। तो और जो एग्जाम्पल्स भी होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करने वाले एग्जाम्पल्स नहीं है ना, जो एग्जाम्पल्स भी हैं वो आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इंटीग्रिटी भी वैसा ही है, प्रोबिटी देखेंगे कई बार लगेगा यार प्रोबिटी भी वैसा ही है, ऑनेस्टी देखेंगे वो भी लगेगा ऐसा ही है, और बाकी सिमिलर ऐसे टर्म्स में आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो मेरे चलिए एक हम GS4 सिंप्लीफाइड करके सीरीज लाते हैं जिसमें हम इथिक्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत ही फनी तरीके से, ऐसे एग्जाम्पल्स जो एकदम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कट कर देंगे, कि आपको कोई नींद में भी उठा के पूछे ना व्हाट इज इंटीग्रिटी, आप तुरंत उस एग्जाम्पल से उसे बता दोगे, आपको कोई रिविजन की जरूरत नहीं है, ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। नेल में आपको इमेजेस देखकर पता ही लग गया होगा कि किस तरह की सीरीज रहने वाली है, तो मैं कहूंगा ये एक ऐसी सीरीज रहेगी आप पढ़ाई से अगर थक गए हैं आप ये देखेंगे, आप रिलैक्स भी हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमारा पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ दिस सीरीज, सो लेट्स बिगिन। तो एक बार जरा हम क्विकली देख लेते हैं कि इस सीरीज का एम क्या है। मैंने वो एम्स लिखे हुए हैं या ब्रीफली मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स एथिक्स टॉपिक्स को बहुत इजीली और फनी तरीके से समझेंगे, एक तरह से ये इंफोटेनमेंट होने वाला है जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सारे कॉन्सेप्ट सारे एग्जाम्पल सब स्टोर कर देगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स डाल के हमें अपने आंसर्स को इम्प्रूव करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना है थ्रू क्वेश्चंस। ओके, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप इस पर सोचिए और इस पर पॉइंट्स लिखिए। ठीक है ना, क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक पॉपुलर एक्टर या एक्ट्रेस है और आपको एक फेयरनेस क्रीम की एड दी गई है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिस्ट डाउन द एथिकल डिलेमास दैट यू विल एनकाउंटर इन अ कंट्री लाइक इंडिया, है ना, इंडिया इंडिया जैसे देश में जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ आप इस तरह की एड करते हुए क्या क्या एथिकल डिलेमास फेस करेंगे और क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा, आप क्या एक्शन लेंगे जब आपको एड ऑफर की जाएगी। ठीक है, कमेंट्स में अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं कि क्या आप क्या डाइलेमा फेस करेंगे और उसके और क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, और आप इसे पेन पर, आप इसे सिंपल पेपर पर लिखकर भी यहाँ पोस्ट कर सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां शेयर कर सकते हैं, वहां हम आपको फीडबैक प्रोवाइड कर देंगे। बस मेरी एक यही सजेशन रहेगा कि आप मल्टीपल एंगल से सोचिए यहाँ पर, है ना, इंडिया की डाइवर्सिटी को आप पिक्चर में लाइए और इथिकल टर्म्स इस आंसर में आप यूज कीजिएगा, सोचिए आप कितने से कितने ज्यादा पॉइंट्स इसमें डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक हिंट यहाँ पर देता हूँ, मान लीजिए अगर आप एक एक्ट्रेस हैं और आप इस तरह की ऐड कर रही हैं, तो हमारे देश में क्या है, जब का शादी के लिए रिश्ते की सर्च हो रही होती है तो कई बार ऐसा होता है कि जिनका कॉम्प्लेक्शन उतना फेयर नहीं है उनको एक डिसएडवांटेज कई बार फेस करना पड़ता है, तो क्या इस तरह का डिलेमा आपके दिमाग में आएगा, और इस तरह के और भी क्या क्या डिलेमाज हैं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी प्रैक्टिसेज हैं जो इंडिया में प्रेविलेंट है, आपको उनके बारे में सोचना है, थोड़ा डीपर जाइए फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं, आप आराम से सोचिए लिखिए। ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड तो हम क्या करेंगे, हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक के PYQs कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स क्या हैं, उस चीज का मीनिंग क्या है, और सैंपल आंसर्स हम वहां पर लिखेंगे। बट अभी अगर आपको पार्ट वन यानी कि थ्योरी पार्ट जो है इथिक्स में, उसमें कोई भी आंसर लिखना है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो काफी रिसर्च के बाद बनाया गया, आप इसे फॉलो कीजिए अपने हर आंसर में, तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली अगर आप इसे प्रैक्टिस में ले आते हैं तो आपका स्कोर
इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या वो फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको इंट्रो लिखनी है जिसमें आप एक कोट मेंशन कर सकते हैं, सिंपली उस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं कुछ इथिकल टर्म्स मेंशन करते हुए। इथिकल टर्म्स मेंशन करना बहुत जरूरी है ना, ये एक इथिक्स का आंसर लगना चाहिए, ना कि सिंपली ये एक इथिक्स का आंसर लगना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि करंट अफेयर्स आपने लोड कर दिए, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे बाकी तीनों पेपर से। फिर आपको अपनी मेन बॉडी लिखनी है जिसको मल्टी डायमेंशनल वे में आपको लिखना है, ठीक है। आपको उसी बॉडी में एक एग्जाम्पल मेंशन करना है, और अगर और भी अच्छा होगा अगर आप दो एग्जाम्पल्स मेंशन कर पाए। फिर आपको एक डायग्राम बनाना है क्विकली और उसे कॉन्क्लूड करना है, वो भी हम आपको बताएंगे आप कॉन्क्लूड कैसे करेंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मेट रहेगा स्टैंडर्ड जो हम हर आंसर में फॉलो करेंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है बट 80% यही रहेगा, ठीक है। केस स्टडी के लिए हम बाद में अलग से एक लेक्चर बनाएंगे कैसे केस स्टडीज को डील करना है, पहले हम थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लें, फिर हम केस स्टडीज या मे बी गोइंग फॉरवर्ड टॉपिक वाइज भी हम केस स्टडीज देख लेंगे, ठीक है। अभी तो ये एक सैम्पल आंसर है जो मैंने यहाँ शेयर किया हुआ है, जो ऑलमोस्ट जो इसी फॉर्मेट में है जो भी हमने जस्ट डिस्कस किया था। तो आप क्या कर सकते हैं, एक मेंशनड है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द सिस्टमिक फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वेदर अ पर्सन वुड बिकम अ विसल ब्लोअर, ठीक है ना। तो ये सेम अभी जो हमने फॉर्मेट देखा था उसमें लिखा हुआ एक आंसर है, आप पॉज करके खुद भी आंसर अपना लिख सकते हैं और इस सैम्पल आंसर से उसे मैच करने का ट्राई कर सकते हैं, या खुद भी आप आंसर लिखिए और देखिए क्या मैं उस फॉर्मेट में लिख पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है ना। बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिए और उस आंसर फॉर्मेट को अपनी प्रैक्टिस में अपनी हैबिट में लाइए कि जब भी आप कोई आंसर लिखें वो उसी फॉर्मेट में आए, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली वो इस तरह का फॉर्मेट है जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, आपको ऑटोमेटिकली वो ज्यादा नंबर दिलाएगा। ये फॉर्मेट ये इंश्योर करता है कि आप कोई भी चीज मिस ना करें, है ना, थ्योरी पार्ट, एग्जाम्पल, डायग्राम, कॉन्क्लूजन सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जल्दी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां हम सिलेबस के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक आप पूरे जोश से, पूरी लगन से अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक